हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है जैसे आप सभी को पता है, और यहां पे मैं आपके लिए 3 क्रैश कोर्स बना रहा हूं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए, जिसमें एक रीजनिंग का क्रैश कोर्स रहने वाला है 15 वीडियो का, एक मैथ का क्रैश कोर्स रहने वाला है 15 वीडियो का, और एक आपका जीके का क्रैश कोर्स रहने वाला है 15 वीडियो का, जिसमें रीजनिंग का तो स्टार्ट हो चुका है, एक पार्ट अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सभी की प्लेलिस्ट में बना दूंगा। और मैथ का भी जो ये मैं क्रैश कोर्स बनाऊंगा 15 वीडियो का, इसकी भी एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, और ऑनलाइन टेस्ट जो जीके का मैं बनाने वाला हूं उसकी भी 15 वीडियो की एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। बस आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है कि एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस, जितना भी निचोड़ है ना मैथ का, मैथ के क्रैश कोर्स में सारा मैं कवर करा दूंगा, कुछ पुराने क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम कवर कर लेंगे। बस आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है वीडियो को, और हो सके तो लाइक करके सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट करके लेके आ सकूँ। आगे की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो का अपडेट पहुँच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करेंगे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट सबसे आसान और बिना किसी फॉर्मूले के और बिना किसी एक्स वाई जेड के आप इस क्वेश्चन को कितना आसानी से कर सकते हैं आप भी नहीं सोच सकते। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 3/7 भाग 1 मिनट में भरता है। 3/7 भाग का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि 7 में से 3 भाग को 1 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक बाल्टी के 3/7, यानी कि जो बाल्टी की कैपेसिटी है ना वो 7 यूनिट की है, टोटल यूनिट 7 है, और 7 में से 3 यूनिट को भरने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, पूछा जा रहा है तो इस बाल्टी के शेष भाग को कितनी देर में भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिए, 7 में से 3 भरा जा चुका है, बचा कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा भाई, 3 यूनिट को भरने में 1 मिनट लग रहा है, तो 4 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो 1 यूनिट बराबर, ठीक है, सॉरी, 1 मिनट बराबर 3 यूनिट है। ठीक है, तो आपको 4 यूनिट कितनी देर में भरी जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x = 4, तो x = 4/3 मिनट में ये भरा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के बता दीजिएगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लूँगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है, इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो यहाँ पे देखिए, एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, यानी कि ए जो नल है वो 20 मिनट में भरेगा और बी वो है 60 मिनट में भरता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें निकालना है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, उस टैंक में टोटल यूनिट पानी कितना आ सकता है। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 60 आ गया, 60 आपका ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटी टैंक की, यानी कि टैंक में केवल 60 यूनिट पानी आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे कि ए जो पाइप है टंकी को 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा, तो 60 को 20 से भाग करेंगे, ए जो पाइप है वो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है, 60 को 60 से भाग कर देंगे तो बी 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भरता है। ठीक है, 60 से 60 एक बार जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पढ़ के देखिए, दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, तो दोनों नल 1 मिनट में कितना भरते हैं भाई, ये 3 यूनिट भरता है 1 मिनट में, ये 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, तो दोनों मिलके 4 यूनिट पानी भरते हैं 1 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना भरेंगे, 40 यूनिट पानी। तो 60 में से हमने 40 को माइनस कर दिया, बचा कितना, 20 यूनिट पानी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है। अब हमने क्या किया, ये पहले वाले नल को बंद कर दिया, इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 20 को ए बी भरेगा, जब ए को बंद कर दे तो बी भरेगा, बी 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भरता है, तो 20 को 1 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई, 20 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बंद करने के बाद इसके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 20 मिनट लगेगा इसको भरने में। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए, टंकी, पाइप एंड टंकी और आपका टाइम एंड वर्क, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल मजबूत और बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से करा दूंगा, जिनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए एक ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, करने का तरीका आप कई बार गलत कर जाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 3068 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जा गया है कि यदि इनके भाग में से क्रम 10 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये कम कर दिए जाते जाए तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा, इसमें बी का भाग कितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर मैं 10, 14 और 20 रुपए कम कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका जो रेशो है ये लिखा है, तो मैं इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ 3068 रुपये को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये होगा कि इस 3068 रुपये में से इन सभी को माइनस कर दीजिए। 10, 14 और 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो 5, 6 और 7 का रेशो है, मैं इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो 3068 में से हमने क्या क्या 44 को माइनस किया, 10 + 14 + 20 सभी को प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो 3068 में से 44 को माइनस करेंगे तो 3000 आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3024 में से किसका पूछा गया, बी का भाग, तो बी का रेशो कितना है भाई, बी का रेशो 6 है आपका, ठीक है। तो टोटल इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो बी का रेशो हो जाएगा 6/18, ठीक है। तो यानी कि 18 से भाग करेंगे, 3024 को 18 से भाग करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 168 टाइम। 168 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो 1008 आ गया। अब 1008 यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा, बहुत से सारे बच्चे यहाँ पे 1008 लगाएंगे और जल्दी से भाग जाएंगे, कह रहे हैं हो गया हमारा आंसर, बट ये आंसर नहीं है। यहाँ पे बी का भाग पूछा है, ये जो माइनस किए थे ना इससे पहले, ये भी हमें प्लस करना है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आंसर लाना है। तो 1008 में हम 14 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1022, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक और मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को करते होंगे और कई बार इसको गलत भी कर देते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 0.6 की मल्टीप्लाई मैं ए में करूं तो वो किसके बराबर होगी, 0.09 की मल्टीप्लाई अगर मैं बी में कर दूं तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो ए और बी की तो वैल्यू ही नहीं हमें पता है, तो कैसे निकाले इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर ये संख्या होती तो बिल्कुल डायरेक्ट निकाल लेते, बट हमें सबसे पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए और बी मैंने इस तरीके से लिखा, एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे 0.6 और 0.09 ये मल्टीप्लाई में लिखा था ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि बी के साइड में जो वैल्यू लिखी है उसके नीचे और ए के साइड में जो वैल्यू लिखी है उसके नीचे। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 09। यहाँ से 0 भी हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगी तो कितना 60 और 9। भाई 60 और 9 आपका जो आया है ये ए का और ये बी का वैल्यू नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू ये हो जाएगी और बी की वैल्यू ये हो जाएगी, यही आपका रेशियो बन जाएगा, ठीक है। बस आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ए और बी का रेशियो, तो आपको यहाँ पे ए का रेशियो ये वाला और बी का रेशियो ये वाला नहीं करना है, इनको क्रॉस कर देना है, यानी कि बी का रेशियो 60 हो जाएगा और ए का रेशियो 9 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 9 और 60। अब ये 9 और 60 किसी के कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं, किस से, 3 से, तो 3 3 9 और 3 से इसको कट करेंगे 20, तो 3:20 आपका राइट आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, सोहन किसी स्थान से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। ध्यान से देखिएगा, दो टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ औसत चाल से, और दोनों ही क्वेश्चन आपके आ चुके हैं आरपीएफ में भी, और अभी जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था इसमें भी, और एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, यहीं पर क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। यहाँ पर बोला जा रहा है सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। आप मुझे ये बताइए कि कोई स्थान है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से चला सोहन, यहाँ तक गया और फिर वापस आया यहाँ से यहाँ तक आया, तो डिस्टेंस चेंज हुई, नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्टेंस वही थी, जब वापस आया तब भी वही डिस्टेंस थी। तो ध्यान रखिएगा, जब सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया जाता है तो औसत का फॉर्मूला ये बन जाता है,
समझे। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया, यानी कि एक ही डिस्टेंस को, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से उसने कवर किया है। और क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि औसत चाल बताइए, तो जब दो अलग अलग डिस्टेंस सॉरी दो अलग अलग स्पीड से एक ही डिस्टेंस को कवर किया जाता है तो आपका जो औसत का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × x × y / x + y। तो यहाँ पे 2 तो आपका फॉर्मूले का ही हो गया, 2 × 20 × 30 / 20 + 30। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, इनकी मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 2 × 4 यानी कि 40, और यहाँ पे कितना होगा 40 × 30, तो आपका हो जाएगा 1200। नीचे कितना होगा 50, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से कटेंगे 120 को 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल आ गई। भाई एक क्वेश्चन तो होता है आपका औसत चाल का ये, देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, बट ये मेरा फ़र्ज बनता है कि अभी आपका आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है इसमें भी मैं दोबारा से ये सारे क्वेश्चंस आपको रिमाइंड करा दूं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लग जाए। आप अच्छे से एग्ज़ाम देखे हैं, जैसे कि मैंने ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे और वो एज इट इज़ आए हैं, तो जैसे बच्चों ने बोला था उसी तरीके से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके देख देख करके कुछ अपनी तरफ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आऊँगा। आपको ये वीडियोस जितनी भी है अपलोड होगी अभी सारी शेयर करनी है और सारी देखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीता जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट देरी से पहुँचती है। ध्यान से सुनिएगा, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 9 मिनट की देरी से पहुंचती है, जब 9 मिनट की देरी से पहुंचती है, जब वह 5 किलोमीटर, 3 से उसने बढ़ाई अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो वह 7 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो उसके घर से बाजार की दूरी क्या है। अब ध्यान से एक बात सुन लीजिए, फॉर्मूला तो आपका यही लगने वाला है, ठीक है, कंडीशन कुछ भी है फॉर्मूला यही होगा, डेल्टा टी एस × s2/s डिफरेंस s2, यानी कि s1 और s2 का डिफरेंस आपको लेना है। ये तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, जब किसी भी चाल से किसी दूरी को कवर किया जाता है और वो उस दूरी को कवर करने में लेट हो जाता है, ठीक है, फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और उसकी स्पीड के बढ़ने से दूरी को कवर करने में टाइम कम लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो इस कंडीशन में जो देरी होती है और जो जल्दी पहुँचता है उन दोनों को प्लस कर लेते हैं, वो होता है डेल्टा टी। सारा का सारा खेल इस डेल्टा टी का है, इसको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 9 मिनट की देरी से पहुँचता है, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने से देर हो जाती है उसको, फिर उसने क्या किया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट किया तो 7 मिनट पहले पहुँच रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस 7 को इस 9 को प्लस करना है, क्योंकि एक तरफ वो देर हो रहा था एक तरफ वो जल्दी पहुंच रहा है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अगर यहाँ पे होता कि वो पहले 9 मिनट से देर से पहुंच रहा था, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता और वो 7 मिनट से देरी से फिर भी पहुंचता, तो उस कंडीशन में इन दोनों का डिफरेंस हम लेते 9 और 7 का, समझ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, डेल्टा टी s × s2/s − s2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। डेल्टा टी कितना है, 16 मिनट हो गया, 7 और 9, ये 9 है भाई, यहाँ पे देखिए ये 9 मिनट है, ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कट हो गया है, तो ये 9 मिनट है, तो कितना हो जाएगा 16 मिनट। अब ये मिनट में है, इसको घंटे में भी बदलना पड़ेगा, तो इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा कि 60 से डिवाइड क्यों किया, ये मिनट है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे s1 और s2, यानी कि स्पीड 1 कितनी थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड 2 कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 × 5 करेंगे और अपॉन में क्या करेंगे 3 − 5, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए 16 × 3 × 5 ये आपने कर दिया, नीचे 60 × 2 कर दिया, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको 2 से आपने कट किया 8 टाइम, इसको कट किया आपने कितनी बार जाएगा, सॉरी ये 3 से कट हो जाएगा, ये वाला हुआ था, देखिए 2 से ये कट हो जाएगा 8 टाइम और ये 3 से कट हो जाएगा 20 टाइम, ठीक है, 5 से 20 कट हो जाएगा 4 टाइम, तो कितना बचा 8/4, यानी कि 4 से 2 जाएगा 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका, सॉरी 2 किलोमीटर डिस्टेंस निकालिए ना, तो 2 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो कितनी थी 2 किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर आपके समझ में आया तो लाइक करिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब ये वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए, MDH जिनको हम बोलते हैं, MDH फॉर्मूला होता है, एम
इंटू डी इंटू एच, इसका मतलब होता है मैन यानी डे और आर्स यानी कि घंटे, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पे एम डी है यानी कि मैन और डे, अगर आर्स होते यहाँ पे एच एच होता और उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 दिन में ऐसा कुआ खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क कितना है। भाई 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 12 व्यक्ति कितने दिन में, 20 दिन में, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब पूछा क्या जा रहा है, 15 दिन में ऐसे कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे। तो दिन तो हमें दे दिए 15, बट आदमी कितने लगाएं कि ये जो पहले वाला वर्क था इसको कंप्लीट कर लें, कितने, 15 दिन में। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, M1 और मल्टीप्लाई क्या कर, सॉरी इक्वल हमने क्या लिखा है, M2 इंटू D2। यहाँ पे आपको क्या करना है, M1 कितना है आपका, 12 आदमी 20 दिन में कुएं को खोद देते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 15 दिन में अगर इस कुएं को हमें खुदवाना होगा तो कितने आदमी हमें लगाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे X रख लिया, आदमी की जगह पे X रख लिया। जो चीज़ें कट हो सकती हैं उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 × 15 = 20, ठीक है, 3 से हो जाएगा, 3 × 12, तो इधर क्या बचा, केवल X। इधर क्या बचा, 4 × 4 = 16, यानी कि अगर हम 16 आदमी लगाएं तो यही कुआ 15 दिन में खुद जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। 12 आदमी लगा के कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, 16 आदमी लगा के 15 दिन में खोद सकते हैं। ऐसा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 आदमी 9 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, 18 की मल्टीप्लाई 24 में करिए, 432 आपका टोटल वर्क आ गया। उसके बाद 54 आदमी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 54 × 12 तो कितना होगा, 648, ये आपका टोटल यूनिट वर्क हो गया। अभी ये 3 और 9 से डिवाइड करें, इसको मत देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ उसको सुनिए। फिर नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त करते हैं, तो 16 बच्चों द्वारा 54 दिन में कितना काम किया गया, 864 यूनिट, यानी कि इतने आदमी ने इतने दिन में इतना कार्य किया, इतने आदमी ने इतने दिन में इतना कार्य किया, इतने आदमी ने इतने दिन में इतना कार्य किया, यानी कि ये औरतों ने और ये बच्चों ने, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, ठीक है। तो ये इतने आदमी ने, इतने औरतों ने और इतने बच्चों ने ये इतना इतना कार्य किया। अभी यही कार्य हमें किस किस से कराना, 3 आदमी से, तो इस कार्य को 3 आदमी कितना करेंगे, 144 यूनिट। 9 औरतें इसे कितने दिन में कितना करेंगे, 72, और 6 बच्चे कितना दिन में करेंगे, कितना करेंगे, 144। दोस्तों कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये 3 आदमी द्वारा करा हुआ वर्क है, ये 9 औरतें द्वारा किया गया वर्क है, और ये 6 बच्चे द्वारा किया गया वर्क है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैन 144, फीमेल 72 और चिल्ड्रन 144, इन सभी का लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया 144, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना आ गया, 144 को डिवाइड किया, यानी कि 3 आदमी एक दिन में एक यूनिट वर्क करते हैं। 44 को 72 से डिवाइड किया, 9 औरतें एक दिन में 2 यूनिट वर्क करते हैं। 44 को 44 से डिवाइड किया गया, एक चिल्ड्रन एक दिन में एक यूनिट वर्क कर, सॉरी 6 चिल्ड्रन एक दिन में एक यूनिट वर्क करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही। तो इसमें बोला गया मिलकर इस कार्य को, सभी मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, देखिए ये जो एक यूनिट लिखा है ना, ये मैन का, ये 3 आदमी मिलकर एक दिन में करते हैं, 3 आदमी एक दिन में एक यूनिट वर्क, 9 औरतें एक दिन में 2 यूनिट वर्क, 6 बच्चे एक दिन में एक यूनिट वर्क, सभी का प्लस किया तो कितना हो गया, 4 यूनिट, यानी कि सभी मिलके एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं। तो 144 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लगेगा, तो 144 डिवाइड बाई 4, तो 36 डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगा इस क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो 36 डे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो को, ध्यान से देखिए इसको भी। 2 ट्रेन 2 स्टेशनों से एक ही समय शुरू होती है, क्रमश 15 किलोमीटर और प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। जब दोनों ट्रेन मिलती है तो यह
पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पे क्या है, एक डिस्टेंस है, दो ट्रेनों के स्टेशनों से एक ही समय में शुरू होती है और क्रम 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यानी कि एक ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट करती है, एक दूसरे की तरफ को जा रही है। ये भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जब दोनों ट्रेन मिलती है, यहाँ पे बोला गया है एक दूसरे की तरफ को बढ़ती है, जब दोनों ट्रेन मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। अब दोस्तों यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे सुनिए। ये वाली जो ट्रेन है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा चल रही है। तो यहाँ पे क्या, जब ट्रेन दोनों मिली तो क्या पाया कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर अधिक चली। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली ट्रेन हर एक घंटा 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही थी, ये वाली ट्रेन हर एक घंटा 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही थी। तो 50 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लिए होंगे भाई, हर एक घंटे 5 किलोमीटर चल रही थी, यानी कि 50 किलोमीटर को अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो टोटल टाइम कितना लगा है, 10 घंटे। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों ट्रेन जब मिली होंगी तो 10 घंटे बाद मिली होंगी, क्योंकि चले तो ये बिल्कुल सेम टाइम पे थे। ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम अगर मुझे पता चल गया कि 10 घंटे है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, अब देख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, मैंने पढ़ रखा है बट आपको भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अधिक यात्रा करती है तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब मुझे ये बताइए 10 घंटे में ये कितना चली होगी। हमें पता चल गया कि दोनों की दोनों ट्रेन 10 घंटे चली है, तो 10 घंटे में इसने कितना किया, कवर किया होगा 150 किलोमीटर, और इसने कितना कवर किया होगा 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जब ये आपस में मिली होंगी, तो 150 इसने कवर किया होगा, 200 इसने कवर किया होगा, तो 350 किलोमीटर इन दोनों ट्रेनों ने मिलकर कवर किया होगा। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि दोनों ट्रेनों के बीच, सॉरी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी भी दोस्त ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमने पूरी वीडियो को देखा और आपको वीडियो कैसी लगी, और स्पेशली ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया या नहीं आया। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो की या फिर किसी भी वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको ढेरों सारी PDF डेली जो मिलती रहती है, जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जितने भी ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बहुत ही कम और सस्ती सी टेस्ट सीरीज रहेगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ एक बार इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी, और जिसने भी एंड तक वीडियो को देखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो उसको लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।